अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इनफोकस विज़न 3 की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये के प्राइस रेंज में और इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे कि इसमें आपको 18:9 रेशियो का फुल विज़न डिस्प्ले मिल जाता है, 5.7 इंचज़ की HD प्लस स्क्रीन मिल जाती है, 82% है दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और बैक में आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है और इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। तो दोस्तों यह जो इनफोकस विज़न 3 का बॉक्स है कुछ इस तरह का देखने में लगता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा बॉक्स है और दोस्तों यह काफ़ी स्टडी भी बॉक्स है। अगर आप प्राइस देखेंगे यहाँ पे बॉक्स पे तो लिखी हुई है 8,000 रुपये, लेकिन ये आपको मिल जाएगी 6,999 यानी कि 7,000 रुपये में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से मिल जाती हैं। दोस्तों इसका रिव्यू भी हम जल्दी ही करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें इनफोकस विज़न 3 के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस बॉक्स को खोला तो सबसे पहले हमें मिलती है यह फ़ोन, और यह फ़ोन दोस्तों एक प्लास्टिक के अंदर पैक्ड है जिसके ऊपर एक स्टिकर लगी हुई है, जिसमें स्टिकर पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं और जैसे ही मैं स्टिकर हटाऊँगा तो वाओ ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा यह स्क्रीन ही है। चलिए इस फ़ोन को करते हैं ऑन, रखते हैं साइड में और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है यह यूज़र मैनुअल, और दोस्तों यह यूज़र मैनुअल पूरी की पूरी इंग्लिश में है। उसके बाद हमें मिलता है वारंटी कार्ड और ये भी इंग्लिश में है दोस्तों, हिंदी कहीं भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें मिल जाती है माइक्रो यूएसबी केबल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है, और उसके बाद हमें यह चार्जिंग अडेप्टर मिल जाता है जिसकी रेटेड आउटपुट कैपेसिटी है 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर, लिखी हुई है 1500 mAh, मतलब कि 1.5 एम्पियर है। और उसके बाद हमें एक सिम ट्रे इजेक्टर पिन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सिम ट्रे इजेक्टर पिन लगती है। तो बस कुछ यही सब चीज़ें थी जो कि मिल जाती हैं बॉक्स में, और आपको फ़ोन भी ज़रूर मिल ही जाता है। दोस्तों चलिए जल्दी से करते हैं इस फ़ोन का सेटअप और देखते हैं कि आखिर यह फ़ोन देखने में है कैसा। मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन ने मुझे फर्स्ट टाइम में ही इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि यह फ़ोन को पकड़ने में चलाने में काफ़ी प्रीमियम फील आने लगी। बात कर ले इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो टॉप में मिल जाता है 3.5 mm ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स, बॉटम में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में आपको मिल जाता है पावर बटन और सिम ट्रे जिसमें आप दो सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों फ्रंट में अगर आप बात कर लेंगे तो आपको मिलेगा कैमरा, ईयरपीस और एक 5.7 इंचेस की स्क्रीन, और बॉटम में कोई भी बटन नहीं है, जो ऑन स्क्रीन बटन से हैं वो इनेबल्ड हैं। बैक साइड में आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है 13 MP प्लस 5 MP का, और आपको एक फ्लैश मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, इनफोकस की लोगो मिल जाती है, और आपको दोस्तों स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पूरा लगता है या देखने में फ़ोन, और खूबसूरती के मामले में दोस्तों मैं बता दूँ कि 7,000 रुपये सबसे बेस्ट लुकिंग अगर कोई फोन है तो यही फोन मुझे लगी दोस्तों अब तक की। अब दोस्तों हम लोग बात कर ले इसके हार्डवेयर की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का MT6735H प्रोसेसर जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1.3 GHz क्वाड कोर, तो प्रोसेसर उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 2 GB की रैम मिल जाती है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, 5.7 इंचज की HD प्लस IPS 2.5D कर्व्ड ग्लास मिल जाता है, 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले मिल जाता है, 13 MP प्लस 5 MP का बैक कैमरा मिल जाता है, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, एंड्रॉयड नोगट मिल जाता है दोस्तों, और ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि आपको इस फ़ोन में मिल जाती हैं। तो दोस्तों 7,000 रुपये के रेंज में प्रोसेसर छोड़ के बाकी सभी चीज़ें बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक बेहतरीन लुकिंग फ़ोन चाहिए नॉर्मल यूजर्स के लिए तो 7,000 रुपये के रेंज में दोस्तों यह तो फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। हालाँकि मैं इसकी रिव्यू में ज़रूर आपको और भी डिटेल में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या अच्छा है और क्या क्या अच्छा नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट बूट में आपको कितना स्टोरेज फ्री मिल जाता है, तो 16 GB में लगभग 9 GB आपको फ्री मिल जाता है। रैम की बात कर ले तो दोस्तों 2 GB में लगभग 1 GB रैम फ्री मिल जाता है, तो काफ़ी सफिशियंट है दोस्तों। और 7,000 रुपये के रेंज में और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। UI दोस्तों काफ़ी फास्ट है, और कैमरा की बात कर ले दोस्तों तो कैमरा में हमें बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं जिसके बारे में हम लोग फुल रिव्यू में ज़रूर बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कैमरा में आपको मिल जाता है ब्लर करने का फीचर, पोर्ट्रेट शॉट मिल जाता है, और इसमें आप बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही तरफ से पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें ड्यूल मोड मिल जाता है जिसमें आप दोस्तों फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों ही एक साथ खोल करके फोटोज ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जरूर फुल रिव्यू में बातें करेंगे। तो आज का हमारी ये अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप अनबॉक्सिंग देख कर ही यह फोन लेना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप रिव्यू तक वेट करना चाहते हैं तो मैं जल्दी इसके रिव्यू भी करने वाला हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।